लेकिन बेहोश थे ना, हमें बहुत मारे ना, नली के पानी भी पिला है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? देश भर में अपराधी बड़ी ही बर्बरता से किसी भी घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, प्रदेशों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन पार्टियों के नेता से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री को मानो सांप सुन गया है। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इन मामलों पर। सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों को सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। देश भर में छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ आए दिन भयावह कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी राजस्थान के जालौर और यूपी के श्रावस्ती में शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई से बच्चों की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब झारखंड से एक बहुत ही भयावह कर देने वाली खबर सामने आई है। कैसे एक कथित ऊंची जात की शिक्षिका भूत प्रेत के नाम पर एक आदिवासी छात्रा को नाली का पानी पिलाती है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनतावाद। जी हां साथियों, अब झारखंड के गढ़वा से अपने आप को ऊंची जाति का समझने वाली एक शिक्षिका ने आदिवासी छात्रा के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है। जी हां साथियों, इस पूरी घटना का मामला हिंदुस्तान अखबार में भी छपा है, जिसमें लिखा है धुरकी के कस्तूरबा विद्यालय की 12 वर्ष की छात्रा के साथ मारपीट और नाली का पानी पिलाने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा ने स्कूल की वार्डन सुमन अग्रवाल पर ये आरोप लगाया है। उसने कहा है कि वार्डन ने मारपीट की और जबरन नाली का पानी पिलाया। इस मामले में छात्रा की मां कौशल्या देवी ने गुरुवार को स्थानीय थाना और वीडियो को आवेदन देकर वार्डन पर कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रा की मां ने बताया कि उसकी बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। 16 अगस्त को बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, वह सोई हुई थी। वार्डन शाम 4 बजे उसे उठाने लगी। उठने पर वार्डन ने बेटी से कहा कि तुम अन्य छात्रों को भूत प्रेत और डायन बिसाही की बात कर भयभीत कर देती हो। इसके बाद उसे डांटने लगी और डंडे से पिटाई कर दी। छात्रा ने घटना की जानकारी स्कूल के रसोईया को दी। रसोईया ने ही उसके परिजनों को मोबाइल पर जानकारी दी। सूचना पाकर उसकी मां और परिजन स्कूल आए और छात्रा को अस्पताल ले गए। यहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इधर आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने स्कूल पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ वार्डन ने भी अपना तथ्य रखा। तो वार्डन सुमन अग्रवाल का कहना है कि छात्रा के साथ न तो मारपीट की गई है और न ही नाली का पानी पिलाया गया है। छात्रा डायन बिसाही की बात करके छात्राओं को डराती थी। उन छात्राओं की शिकायत पर ही इसको लेकर पूछताछ की गई तो भूत लगने का नाटक और बहस हो गई। उसे डराने के लिए छात्राओं से नाली का पानी लाने के लिए कहा गया। इसके बाद छात्रा भाग गई। तो साथ ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से छात्रा को नाली का पानी पिलाने की कोशिश एक सवर्ण कथित ऊंची जात की शिक्षिका द्वारा किया जाता है। और जब ये मामला संज्ञान में आता है, बच्ची के घर वालों को पता चलता है, उसके अभिभावक जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो मीडिया को बड़ा ही रोचक तथ्य, जातवादी जो शिक्षिका है सुमन अग्रवाल, उसका कथन आपने सुना होगा, क्या कहती है कि ये बच्ची जानबूझकर भूत प्रेत का नाटक करती है और बच्चियों को डराती है, इसलिए उसे डराने के लिए हमने नाली का पानी मंगाया था। बिल्कुल सही कहा, अगर कोई भूत प्रेत का नाटक करता है तो उसके साथ इस प्रकार की गंदी या ओछी हरकत के अलावा भी उसे समझा सकते हैं। लेकिन मैं उस शिक्षिका से कहना चाहूंगा, ऐसे टाइम पर तो तुमने गंदी नाली का पानी बेटी को पिलाने के लिए मंगाया और सीधे से कह दिया कि नहीं, वो भूत प्रेत का नाटक कर रही थी। लेकिन अध्यापिका महोदय, उनसे क्या कहोगे जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और सरकार, तमाम पार्टियों के नेता पूरे दिन आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बयान देते हैं कि काले कपड़े पहनकर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो अध्यापक महोदया जी, हमारे प्रधानमंत्री और देश के नेताओं को भी आप समझाओ
क्योंकि ये बात आप अच्छे से समझा सकती हैं, आप भी ऊंची जात के हैं और जो नेता इस तरह का पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं वो भी ऊंची जात का है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि तमाम देश भर के जो स्कूल हैं उनमें साइंस को सिर्फ पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। एक साइंस का टीचर भी सुबह सुबह आके बच्चों से भविष्य और वेद पुराण की बात करता है तो बच्चे क्या सीखेंगे। हालांकि इस मामले में अभी पुष्टि नहीं हुई है कि जो बच्ची है उसको भूत प्रेत लगा। हो सकता है कि जो ये शिक्षिका सुमन अग्रवाल है वो अपने बचाव के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार एक आदिवासी छात्रा को अगर वास्तव में उस छात्रा को नाली का पानी पिलाया है तो बहुत ही बीभत्स कर देने वाली घटना है। लेकिन बीभत्स है ना, तो मैं बहुत मारा ना, नाली के पानी भी पिलाया। तमाम सरकारों को खास करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक हमें ज्ञात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुद्धिजीवी, साइंसवादी और तर्कशील हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं पर जरूर लगाम लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल उन देश की तमाम सरकारों से भी है जो आखिर इन पार्टियों के नेता कैसे बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि देश में जातवाद नहीं है और देश के मनवादी गोदी मीडिया सरेआम अपराधियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस तरह से मीडिया ट्रायल कर रही है कि वहां पर कोई गड़ा स्कूल में था ही नहीं, और मीडिया कसर छोड़े भी क्यों, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्किस बानो के दोषियों को ठीक उस दिन और उसी समय रिहा करवा देते हैं जब दिल्ली के लाल किले से महिलाओं के सम्मान और अधिकार का ज्ञान देश की महिलाओं को देते हैं। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही महिलाओं का सम्मान है जो बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करवा देते हैं? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो देश के तमाम विद्यालयों में बेटी और बेटा कोई भी सुरक्षित नहीं है, जातवादी शिक्षकों द्वारा सरेआम बच्चों की हत्या कर दी जाती है और आपके अधिकारी कलेक्टर और एसपी अपराधियों के समर्थन में उन्हें बचाने के लिए ताली बजाते हैं? हम एक संस्कारवान छत्तीस कौन है, आपने कहा कि वहाँ मत आओ, हम नहीं आए कि हम नहीं आ सकते, सूर्य पहन रखी हमने, लेकिन आपके आने को जो लोग आपको कितनी कितनी गालियां दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, और आपने कहा कि यही को हम यही थे। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, भले ही ये मामला राजस्थान का है लेकिन आपके कलेक्टर और एसपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है, आप दोनों ही पार्टियों के नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और दूसरी बात, ये थाली और ताली बजाने का मंत्र तो आपने ही दिया है, तो शायद मुझे तो लगता है कि देश भर के जो तमाम उच्च अधिकारी हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से किसी भी मामले की जांच करने में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ अपराधियों के लिए ताली और थाली बजाने में मजा आता है। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम मान लें कि रामराज आ चुका है, हम मान लें कि अब देश विश्वगुरु बन चुका है, क्योंकि आपकी सोच को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आपने कसम खा ली है कि हम नहीं पढ़े हैं तो देश के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। शायद इसीलिए देश भर की तमाम सरकारों में इस तरह के अपराध बच्चों के साथ विद्यालयों में हो रहे हैं। आप फ्री की रेवड़ी पर बयान तो दे सकते हैं, किसी अन्य पार्टी की सरकारों को ज्ञान दे सकते हैं कि आप इस तरह का नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देश भर में बच्चों का शोषण होता है, बच्चों की पिटाई होती है, बच्चों से साथ जातवाद होता है, बच्चों को नाली का पानी पिलाया जाता है, बच्चों की हत्या कर दी जाती है, तब इन सरकारों को आप नसीहत नहीं दे सकते हैं? मैं जानता हूं मोदी जी, आप इन्हें नसीहत नहीं देंगे क्योंकि आपका उद्देश्य ही है इस देश को अनपढ़ और अंधभक्त बनाना। अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ये अंधभक्त कौन करेगा, धर्म के नाम पर कौन लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? लेकिन साथियों, जो मेरे दर्शक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम सरकारों के पाखंड को आपको समझने की जरूरत है, और दूसरे नेताओं की आस करना, खास करके सवर्ण नेताओं की आस करना कि वो आपके लिए हक अधिकार दिलाएंगे, वो आपके हक की बात करेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ा मिथ्या है। आपको खुद जागरूक होना होगा, आपको खुद सजग होना होगा, आपको खुद मजबूत बनना होगा, आपको अपने नेतृत्वकर्ता को
खुद मजबूत करना होगा, तभी हम और आप सभी इस देश में सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल इन तमाम खबरों पर आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके इन तमाम सरकारों की काली करतूत को फैलाने का काम करें। अभी सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।